शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेटा, एक गिलास पानी मिलेगा? जी। क्योंकि गोली लगने से अंदर का घाव इतना गहरा हो गया है, श्रद्धा अब शायद कभी मां नहीं बन पाएगी। श्रद्धा, तुम ठीक हो? चलो श्रद्धा। तुम एक अशुभ हाथों से अपनी बहू की गोद भराई की रसम नहीं कर सकती। पंडित जी, आप ऐसा मत बोलिए, हमें तो आपसे ही उम्मीद है। पंडित जी, आप तो ज्ञानी हैं, आपके पास कोई उपाय तो होगा। हम कोई भी तप, व्रत, पूजा पाठ कुछ भी करने को तैयार हैं। बहन जी, आप कोई भी उपाय कर लीजिए, व्रत, जप, यज्ञ अनुष्ठान, पूजा पाठ कुछ भी कर लीजिए। श्रद्धा की किस्मत की लकीरों में कोई संतान का योग बनता ही नहीं है। मुझसे नजरें भी नहीं मिलाओगी क्या? किसी एक पंडित के कह देने पे तुम मां नहीं बन सकते, ये कहां लिखा है? अगर हाथों की लकीरें पड़ने से कुछ होता ना, तो आज कोई भी परेशान, कोई भी कठिनाई है, कोई भी गरीब नहीं होता। देखो, मैं किसी की विद्या पे सवाल नहीं उठा रहा, पर हाथों की लकीरें हमारी किस्मत का फैसला नहीं कर सकती। पर मैंने तो हमेशा से माना है, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो ना, मेरी हाथों की लकीरें बदल गई हैं। अब आगे क्या होगा, कैसे होगा, तब की तब देखेंगे। हम आज तो खुश रह सकते हैं ना। चलो, मैं कल तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। बहन जी, अब देखने दिखाने को कुछ नहीं रह गया। हमने एक पंडित जी को श्रद्धा का हाथ दिखाया था, कुछ नहीं हो सकता। ना हमारी किस्मत में दादी बनने का सुख है, और ना श्रद्धा के मां बनने का। अच्छा, आपको भी चाहिए? दो आइसक्रीम। सुख देने का हक सिर्फ जन्म देने वाली माँ का नहीं होता श्रद्धा। मैंने देखी है तुम्हारे अंदर की ममता, सबको प्यार देती हो तुम, तो फिर प्यार एक ही जगह देके उसे सीमित क्यों करना है? दीदी, हमें बलून चाहिए। हमें
चलो श्रद्धा, आराम से, अभी घाव भरा नहीं है। जब तुम मेरे सामने। पता नहीं हमारा बेटा इस दुख से कैसे उभरेगा। उभरना कहाँ से आया, मैं तो कहती हूँ अभी की दूसरी शादी करवा दीजिए। बहन जी आप क्या कह रही हैं? अरे सही तो कह रही है तनुजा, हमारी लखनऊ वाली चचेरी बहन की बहू भी मानी बन सकती थी, फिर क्या हुआ अब उन्होंने अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दी और देखो उनके घर आंगन में दो दो नटखट फूल खिले हैं। इन फूल जैसे मासूम चेहरों को देखकर कितना सुकून मिलता है ना। शुक्रिया मुझे ये दुनिया दिखाने के लिए। देखो तो सब कुछ है हमारी इस छोटी सी दुनिया में, एक दूसरे के लिए हम और हमारा प्यार काफी है। सिर्फ प्यार ही काफी नहीं होता, परिवार के भी अपने मायने होते हैं। हम अपने बेटे का परिवार पूरा करके ही रहेंगे। हम अब अभय की दूसरी शादी वो कर ही रहेंगे। ऐसे मालिक हो भाई तुम दोनों, यहाँ क्लाइंट के साथ इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है और तुम दोनों बाहर मजे ले रहे हो। अरे मैं तो कब से बोल रहा था मालकिन को आइसक्रीम खानी थी, मैं तो कब से बोल रहा था इसे कि चलो वापस वरुण को फिर समझाना भी तो है ना। अच्छा और आइसक्रीम के ऊपर चाट किसे खानी थी आपको? अरे यार यहाँ मैं इतनी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ और तुम दोनों आपस में लड़ रहे हो। वही ना, तू बोलता बहुत है, सब तेरी गलती है। अच्छा आखिर मौका मिल ही गया ना तुम दोनों को, आप दोनों एक मौका नहीं छोड़ेंगे वरुण जी को नीचा दिखाने का। अरे कीर्ति ऐसी कोई बात नहीं है, हम सब तो यहाँ बस मजाक ही कर रहे थे। मजाक कर रहे थे या मजाक उड़ा रहे थे? हमने कहा था ना, देखा ये है इनकी फितरत, मैं तो पहले से पता था। कीर्ति तुम्हें पता भी है, तुम क्या बोल रही हो? पंडित जी ये कुंडली में सब कुछ ठीक तो है ना? आपको बहुत बहुत बधाई, इस जन्म कुंडली में हाँ। एक संतान नहीं दो दो संतान का प्रबल योग लिखा हुआ है। अरे वाह ये तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। आपको बहुत बहुत बधाई और हमें आज्ञा दीजिए क्योंकि दूसरे यजमान के यहाँ भी हमें जन्म कुंडली देखने के लिए जाना है। जी पंडित जी नमस्ते। जय माता जी। हाँ, जय माता। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।